ना प्याज को पीसने की टेंशन, ना टमाटर को उबालने की परेशानी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल राजमा बनाने की सबसे आसान रेसिपी, वो भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडीज पैराडाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम राजमा का इस्तेमाल किया है। राजमा को मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था, अब मैं उसमें 2 कप पानी मिला रही हूँ। राजमा उबालते वक्त हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि पानी हमेशा उससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा ही रखें। अब यहाँ पर मैं कुछ खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। गरम मसालों में मैंने एक बड़ी बड़ी इलायची ली है और 1 इंच का दालचीनी लिया है। 2 छोटे चम्मच मैंने नमक मिलाया है और 1 छोटे से प्याज को मैंने चॉप कर यहाँ पर मिलाया है। अब हमें 1 टीस्पून चॉप्ड लहसुन और 1 टीस्पून चॉप्ड अदरक मिलाना है। अब हमें राजमा को एक अच्छा सा मिक्स देना है और उसके बाद हमें कुकर का लिड बंद कर देना है। कुकर बंद करने के बाद हमें राजमा को मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक पकाना है। मैं यहाँ पर एक पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम कर रही हूँ। तेल गरम होते ही हमें 1 टीस्पून जीरा डालना है। अब हमें यहाँ पर 1 बड़े प्याज को डालना है। मैंने 1 बड़े प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और मैं अब इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भुनने वाली हूँ। प्याज को हमें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भुनना है। प्याज जब हमारा 50% तक पक जाएगा तब हम उसे उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। हमारा प्याज यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट मिला रही हूँ। अदरक और लहसुन को प्याज के साथ 2 मिनट तक भुने जब तक इसकी रॉ स्मेल ना चली जाए। 2 मिनट के बाद हमें अपने मसालों का इस्तेमाल करना है। मसालों में मैं यहाँ 1.5 छोटे चम्मच धनिया पाउडर मिला रही हूँ, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हमें गैस का आंच बिल्कुल कम कर देना है और बिल्कुल कम आंच पर हमें अपने मसालों को 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए भुनना है। यहाँ पर मैं अपने सूखे मसालों को भुन रही हूँ, इसलिए मैंने अपने गैस का फ्लेम एकदम कम कर रखा है। तो आप देख सकते हैं मैंने एकदम बेसिक मसालों का इस्तेमाल किया है। ऐसे कोई मसाले नहीं है जो आपको अपने घर के किचन में नहीं मिलेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें अपने मसालों को अच्छी तरह से 1 मिनट तक भुनना है। मैंने यहाँ पर राजमा की आपको सबसे आसान रेसिपी बताई है। यह रेसिपी आप घर में कभी भी कहीं भी बना सकते हैं। वर्किंग मॉम्स हो जिनको जल्दी ऑफिस जाना हो, या फिर बैचलर्स जो अकेले रहते हैं, उनके लिए तो यह रेसिपी एकदम परफेक्ट है। अब हमें यहाँ पर 2 बड़े टमाटरों का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े टमाटरों को चॉप कर मिलाया है। टमाटरों को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिलाएं। यह हमें 1 से 2 मिनट लगेगा मसालों के साथ टमाटरों को मिलाने पर। उसके बाद हमें लिड लगाकर टमाटरों को गलने तक 1 मिनट के लिए पकाना है। मैंने यहाँ पर लिड लगा दी है। 1 मिनट बाद मैं लिड हटा रही हूँ। हमें यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना हम नमक डालकर अपने टमाटरों को अच्छी तरह से पका सकते हैं। जी हाँ, मैंने नमक का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि आगे चलकर मुझे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलानी है। आगे चलकर मैं अपने राजमा में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाने वाली हूँ, इसलिए मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। देखिए 1 मिनट भुनने के बाद हमारे टमाटर यहाँ पर बिल्कुल पक चुके हैं। अब इस स्टेज पर हमने जो अपनी राजमा को उबाला था ना, उसका पानी जो बचा हुआ है उसे हमें ऐड करना है। हमारे उबले हुए राजमा की जो पानी बची हुई है उसे ही हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए अपने मसालों को भुनना है। यहाँ पर मसालों को भुनने में शुरू से अंत तक मुझे 4 से 5 मिनट का वक्त लगा है। जी हाँ, आप अपने मसालों को जितनी अच्छी तरह से भुनिएगा राजमा का स्वाद उतना ही उभर कर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मसाले बिल्कुल तैयार हैं एक परफेक्ट ग्रेवी के लिए। अब इस स्टेज पे हमें अपने राजमा मिलाने हैं जो हमने उबाल कर रखे थे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे राजमा को मसालों के साथ ऐड कर दिया है। अब राजमा को मसालों के साथ 1 मिनट तक भूले। इसकी जो रॉ स्मेल होती है ना राजमा की, वो चली जानी चाहिए, वरना हमें खाते वक्त वो राजमा का रॉ स्मेल आता रहेगा। राजमा को 1 मिनट भूनने के बाद हमें अब अपने गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब हमें इसमें 1 से 2 चॉप की हुई हरी मिर्च मिलानी है। अब हम इसमें 1/2 कप दही मिलाएंगे।
जी हाँ, दही जरूर मिलाए। दही ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हमें मिलानी थी। दही मिलाने पर ये राजमा को बहुत ही क्रीमी और टैंगी फ्लेवर देता है। अब मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और मैं इसमें अब नमक मिला रही हूँ। राजमा में नमक मिलाने के बाद इसे एक अच्छा मिक्स दें। अभी हमारी राजमा की ग्रेवी गाढ़ी है, इसलिए हमें यहाँ बॉइल राजमा के पानी को मिलाना है। यह हमारे राजमा मसाला को जबरदस्त फ्लेवर देने वाला है। अब इसे ढककर एक उबाल आने तक पकाना है। हमारा जबरदस्त सा पंजाबी स्टाइल राजमा मसाला तैयार है। अब मैं इसमें धनिया मिला रही हूँ गार्निशिंग के लिए। दोस्तों, मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।